नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है आशीष गुट, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है हमारा, हम प्लॉट प्राइस डिस्कस कर रहे हैं जनवरी 2020 में। हमने आज सेक्टर सिलेक्ट करा है सेक्टर 57। तो सेक्टर 57 में मैं ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको दे रहा हूँ प्लॉट के प्राइजेस की। प्लॉट के प्राइजेस जो चल रहे हैं इस टाइम, जैसे मैं जो भी प्राइस बता रहा हूँ उसका कोई प्लॉट के अंदर ये कहता है कि थंब रूल नहीं होता, क्योंकि लोकेशन बाय लोकेशन पे प्लॉट के प्राइस वेरी करते हैं। जैसे कि कोई प्लॉट जो कि एक्सेसिबिलिटी उसकी अच्छी है, कमर्शियल के पास लगता है या मेन रोड के पास लगता है, तो उसका प्राइस थोड़ा सा ऊपर होता है। और जो थोड़ा दूर इंटीरियर के अंदर पड़ता है, जहाँ पे ज़्यादा लोग हैबिटेशन के अंदर है, तो उसका प्राइस थोड़ा सा कम होगा। तो एक मैं बेसिक आपको प्राइस अपडेट कर रहा हूँ यहाँ पे, जैसे कि आप एक थंब रूल मान सकते हो कि हाँ इतना होगा, और उससे नीचे मिलता है तो आपके पास अच्छी डील है, उससे ऊपर मिलता है तो शायद आपको नेगोशिएशन करनी चाहिए बेस्ट प्राइस के लिए। बेसिक फंडा में शुरू कर देता हूँ। जैसे प्लॉट के अंदर, जैसे हुड्डा का सेक्टर है, तो ये 4 मरला, 6 मरला, 8 मरला, 10 मरला, 14 मरला और 1 कनाल बोलते हैं एक लैंग्वेज के अंदर, जो 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 हमारी कॉमन मैन लैंग्वेज है उसको हम गजों के अंदर देखते हैं। जैसे अगर आप कुछ मेरे को बोलोगे मुझे इतने गज का प्लॉट चाहिए, तो जैसे कि 4 मरला को तकरीबन 99 यार्ड्स होता है, तो ये हमने 100 गज का प्राइस यहाँ पे आपको बताया 85,000 पर स्क्वायर यार्ड टू 1110 स्क्वायर यार्ड। तो तकरीबन आपको 100 गज का प्लॉट 85 लाख रुपए से लेके 1,10,00,000 तक आपको मिलेगा वहां पे, डिपेंडिंग ऑन लोकेशन, आसपास की एक्सेसिबिलिटी, और वो प्लॉट के सामने कोई एक्टिविटी तो नहीं हो रही। जैसे कोई कभी कभी हमने देखा है कि एनक्रोचमेंट होती है प्लॉटों के पास में। एक अच्छा प्लॉट है जो कि कमर्शियल के पास है, तो उसका प्राइस ऊपर होगा। और एक ऐसा प्लॉट जहाँ पे सामने या तो भैंसे बैठी हैं, या कुछ ऐसा कोई एक्टिविटी है, या किसी ने झुग्गी के पास है, या विलेज के पास पड़ रहा है, तो उसका प्राइस थोड़ा सा कम होगा। तो ये था 100 गज का हमने यहाँ पे बताया। जो 6 मरला है 161 गज, वो 90,000 रुपये से लेके 1,00,000 रुपये तक। अब क्या है कि 100 गज और 161 गज जो 4 मरला और 6 मरला की कैटेगरी होती है, उस पर आप अपने फ्लोर बनाते हो, अपना मतलब विला बनाते हो, फ्लोर वहाँ पे अलाउड नहीं होते। फ्लोर यहाँ पे जैसे कि आजकल चलन चला है कि स्टेट के साथ 4 फ्लोर बनाई जाती हैं, तो वो आपको 180 गज के ऊपर अलाउ करते हैं कि आप सब रजिस्ट्री करके मार्केट में सेल कर सकते हो। तो इसकी प्राइसिंग 90 से 1,00,000 रुपए मैंने बोली है। अब डिपेंड करता है कि 160 गज अगर कमर्शियल के पास है तो 1,00,000 से भी ऊपर जा सकती है, और अगर लोकेशन दबी हुई है तो शायद 90 से भी नीचे आपको मिल जाए। 8 मरला ये एक बहुत ही कमर्शियल कैटेगरी है बिल्डर्स के लिए। नए बिल्डर्स जो होते हैं, हर कोई 200 गज अप्रोच करता है कि एक हिट एंड ट्राई हो गया, इस बिल्डर लाइन में एंटर लोग कर रहे हैं, तो इस 8 मरला की डिमांड काफी रहती है। तो इसका प्राइसिंग 1,00,000 रुपए से लेके 1,10,000, कभी कभी 15 तक भी जा सकता है, 20 तक भी जा सकता है सेक्टर 57 के अंदर। ये डिमांड इसलिए हाई है क्योंकि हर एक तो नए लोग अट्रैक्टेड हो गए इस पे, क्योंकि इससे छोटे के अंदर आप फ्लोर बना के बेच नहीं सकते, और जो सीजन प्लेयर होते हैं, जो इकोनॉमिकल काम करते हैं, वो भी इस कैटेगरी पे अट्रैक्टेड होते हैं। तो इसका भी प्राइस आपको 200 गज का 2 करोड़ से लेके 2.25 करोड़ तक आपको जाके प्रॉपर्टी पड़ेगी। 10 मरला 263 गज है, 263 गज हमने 90,000 रुपये से 1,05,000 रुपये बोला है। तो यहाँ पे एक 3 बेडरूम अच्छा मिल जाता है, 3 बेडरूम या मैं बोलूँगा कि 3+1 भी निकल जाएगा इसके अंदर, स्टडी भी निकल सकती है। तो FAR भी अच्छी मिल जाती है, 264% FAR है इसमें, तो ये भी डिसेंट डिमांड में रहता है। तो 90 से आपका 1,05,000, ये भी एक मैं आपको बोलूँ कि ये 10 मरला भी डिमांड के अंदर रहने वाली चीज़ है, लोग अट्रैक्टेड होते हैं इसके ऊपर भी। अब जो 14 मरला है ये लग्जरी सेगमेंट है। 14 मरला, एक तो उसकी आपको लोकेशन अच्छी मिलेगी, मेन रोड के ज़्यादा पास मिलेगी, लेकिन साइज बड़ा है। तो यहाँ पे 4 BHK प्रेफर्ड मोड होता है, 3 BHK कम ही लोग बनाएंगे, लोग इसमें 4 BHK बनेगा, और इसका प्राइस रेंज 80,000 रुपये से लेके 95,000 रुपये तक है। अब ये आ गया 500 गज का
एक कनाल जिसको बोलते हैं, एक कनाल का हमने यहाँ पे प्राइस लिखा है 265,000 रुपए से लेके 2,00,000 रुपए तक। इसलिए बोला है क्योंकि एवरेज प्राइस जहां पे आप हैबिटेशन में रह सकते हो वो हो गया 65,000 रुपए, या 60 में भी शायद कोई चीज मिल जाए, या 55 में भी मिल जाए अगर अंदर है, यहाँ पे अभी हैबिटेशन कम है। अब ये इतना तेज इसलिए चला जाता है क्योंकि कुछ प्लॉट्स 30 मीटर रोड के ऊपर होते हैं, कुछ प्लॉट्स एक्सटेंशन रोड पे लग रहे हैं, इवन ये कैटेगरी के प्लॉट भी आपको कुछ मेन रोड पे हाई डिमांड में मिलेंगे क्योंकि वहां पे आप कमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हो। कमर्शियल एक्टिविटी या अगर कोई आपने शोरूम करना है या गेस्ट हाउस खोलना है, 30 मीटर रोड के ऊपर एक लिस्ट होती है जहां पे आप ये एक्टिविटीज कर सकते हो। तो ये रेट मैंने मेन गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन का आपको बोला है कि एक्सटेंशन रोड फेसिंग अगर आपको चाहिए तो वो चीज आपको 2,00,000 रुपए गज के अंदर सिया फिर उससे भी ऊपर आपको मिलेगी। तो ये था बेसिक अंडरस्टैंडिंग। आज है जनवरी 2020 का, मैं एक बेसिक फॉर्मेट आपको डाल रहा हूँ कि ये एवरेज प्राइस है, जस्ट एन इंफॉर्मेशनल वीडियो। और आपको कोई भी सवाल होता है या कुछ आपने सजेशन लेनी है, या आप बायर हो आपको प्लॉट चाहिए, तो दिए गए नंबर के ऊपर आप कॉल कर सकते हो अगर आप मेरे से डीलिंग करना चाहते हो तो, और उसके अंदर फिर हम आपको और प्लॉट की डिटेल देंगे। अगर आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से मैं आपको प्लॉट की लोकेशंस दिखा सकता हूं और हम उसके ऊपर जाके क्लोज करते हैं। आज के लिए बस इतना ही यार, अपना प्यार भेजते रहिए यार, आई लव यू गाइज। बहुत अच्छा लगता है जब आपके कमेंट्स आते हैं, जब आप मैसेजेस देते हो इम्प्रूवमेंट के, या फिर कुछ भी अगर अच्छा नहीं लगता वो भी लिखो यार, लाइक करो हेट करो जैसे भी करो यार, कनेक्टेड रहते हो, मुझे अच्छा लगता है कि एटलीस्ट आप वॉच कर रहे हो और फीडबैक दे रहे हो। मैं कल फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।